चाहे वो अनपढ़ हो, वो गांव में हो या घरों में, वो पिता चाहे सरद में हो, चाहे वो शहीद हो गया हो, चाहे वो घर में हो या ग्रामीण क्षेत्र में, वो माँ बाप आज 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में जब हमारे भैया बहन यहाँ बैठे हैं, मुझे लगता है कि 12 साल से लेके 20 वर्ष तक के भैया बहन हैं। कोई 16 का हो सकता है, कोई 17 का, कोई 18 का, तो कोई 15 का, लेकिन आपको सोचना चाहिए जहाँ आपकी उम्र बढ़ते हुए जा रही है वहीं पर आपके मम्मी पापा धीरे धीरे अपने जीवन के उन लास्ट पड़ाव में है, जहाँ पर अगर उनकी कोई शक्ति दे सकता है तो आप, अगर कोई उनको दीर्घायु दे सकता है तो आप, अगर कोई अल्पायु दे सकता है वो भी आप। क्योंकि जब माँ को, जब माँ सुबह विद्यालय को बच्चे को भेजती है, जब पिता सुबह बच्चे को विद्यालय को भेजता हो, लेकिन आपने गौर किया हो न किया हो, लेकिन कभी, क्योंकि माँ तो माँ होती है, गौर कीजिएगा, वो माँ जब रात्रि को भोजन कराती है तो कई दिन ऐसे बीत जाते हैं जब आप भोजन करके चले जाते हैं, माँ परिवार को खिला देती है, उस कढ़ाई में जहाँ खाने के बदले कुछ नहीं बचता और वो माँ कढ़ाई को पूछ के खा देती है, और कभी स्थिति ये रहती कि रोटी हो ना हो वो माँ पानी पी के सो जाती है, लेकिन फिर सवेरे उठती है अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए, वो अपने आप को बलिदान कर देती, लेकिन अपने औलाद पे आंच नहीं आने देती। मैं उस पिता के लिए भी कहना चाहूंगा, आज के इस युवा शक्ति के रूप में जब हम देश के विकास की बात करते हैं, जब अंग्रेजी से लेकर फ्रेंच की बात करते हैं, जब हम संस्कृति और संस्कारों की बात करते हैं, कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, हम अपने माँ बाप के हथियारे बन जाते हैं और हमें पता तक नहीं चलता। मैं उन और भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जो माँ आज 50 साल की उम्र में है, अगर आप अच्छी तरह आगे बढ़े तो हो सकता है वो 100 साल जिए, हो सकता है वो 90 साल जिए, लेकिन अगर आपने गलतियां करनी शुरू कर दी तो पड़ोसी को तो वो बताएंगे नहीं, वो गलती किसी को दोहराएंगे नहीं, लेकिन वो माँ अंदर ही अंदर रोती है, वो पिता चाहके कुछ नहीं कर पाता और तमाम दिन वो गुजर जाते हैं जब वो भूखे प्यासे रात में सो नहीं पाते और हम सुकून में खोए रहते हैं। हम अपनी दुनिया बसाने के लिए, हम दोस्तों को टशन दिखाने के लिए, हम पैशन दिखाने के लिए, हम दूसरे को कूल लगने के लिए, हम दूसरे को इंप्रेस करने के लिए हम अपने आप को बदनाम कर देते हैं, हम अपने आप को पाकिस्तान के हवाले कर देते हैं। जो पाकिस्तान हिंदुस्तान को मिटाने की बात करता है, उसको पता है अगर हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी की जड़ें कमजोर हो जाए, वो देश कमजोर हो जाए, और जो देश के युवा कमजोर पड़ जाए वो देश कमजोर पड़ जाए। किसी ने कहा है कि जिस देश का युवा आगे बढ़ जाता है वो देश आगे बढ़ जाता है, जिस देश का युवा सजग हो जाता है वो देश सजग बन जाता है।